वैसे बात अजीब है मगर सच्ची। इस कमरे को देख रहे हैं आप, आज कुछ उदास लग रहे हैं ना? वो इसलिए क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आपके जाने के बाद ये कितना अकेला हो जाएगा। अब बताइए, दो ही दिन में इस कमरे को आपकी कितनी आदत हो गई है कि वैसे मैंने इसे बहुत समझाया कमरे जी, मैं तो यहां अकेला रहता था। अब अगर कोई दो ही दिन में आकर जा रहा है तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मगर ये हमारी बात मान ही नहीं रहे, देखिए ना फिर उदास हो। ठीक है तो कमरे जी से कह दीजिए कि हम सारी जिंदगी यहीं रहने वाले हैं, हम केवल पग फेरों की रस्म के लिए जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, कमरे से ये भी कह दीजिएगा कि हमारे जाने से ज्यादा हमारे लौटने का इंतजार करें, तो वो बिल्कुल उदास नहीं होगा। लगता है कमरे ने आपकी बात मान ली, मगर लौट के जल्दी आइएगा क्योंकि इस कमरे को आपका इंतजार रहेगा, कहीं ऐसा ना हो ये फिर से उदास हो जाए। अब कमरे ने तो अपने मन की बात कह दी, पर क्या कमरे में रहने वाले को कुछ नहीं कहना है? अब और कुछ कहना बाकी है क्या? अरे नंदिनी जल्दी आओ भाई। जी अब हम चले, आप पार्टी शुरू होने से पहले आ जाइएगा। चले नंदिनी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त सचमुच आपको बहुत मिस करेगा।